अच्छा बेटा, हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे लेजर को, ठीक है। तो हमने 12 अगस्त तक जो है वो हमने देख लिया था, 12 अगस्त तक। अब 12 अगस्त के बाद आगे चलते हैं, 12 के बाद 17 अगस्त है। तो हमने ये देखना है कि 17 अगस्त में कैश आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कैश आ रहा है या नहीं आ सत्रह रहा? अगस्त आ रहा है कैश आ रहा कितनी अमाउंट से आ रहा है बेटा? सर है 13,700 13,700 रुपये।13,700 रुपीस तो हम किस साइड पे लिखना है बेटा इसको? क्रेडिट साइड पे सर, क्रेडिट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे सर। ठीक है। डेट कौन सी है? 17 17 अगस्त, 17 अगस्त। 17 अगस्त किस वजह से बेटा? नूर मिल्स, नूर मिल्स की नूर वजह से, मिल्स, नूर मिल्स 17 ठीक है बेटा। यहां तक मसल आ गया। 17 के बाद हम आगे जा रहे हैं, तो 17 के बाद 20 में कैश है, नो सर, 22 में सेल्स सेल नो सर, सर, 23 नो में सर, नो नो सर, सर, 24 में 24 में यस 24 में यस है, सर है, 24 क्रेडिट में है। डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? किस साइड पे क्रेडिट लिखना हो है रहा है बेटा? सर, डेट कौन सी है बेटा? 24 अगस्त, 24 चौबीस 24 ड्राइंग ड्राइंग ये बड़ा आसान सर, है, लेकिन इसका मसला है। मसला पता है क्या है? मसला इसका बेटा ये है कि लेंथी है। अभी आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, आपने सबके अकाउंट्स बनाने हैं। लेंथी है आसान। सर, अगर आपने इंटरेस्ट ठीक ही हुई है तो ये ओके है। अच्छा, उसके बाद आगे 24 के बाद डेबिट 25 अगस्त, पच्चीस हो रहा है। डेबिट हो रहा है डेबिट हो सर, रहा है, डेबिट हो चार रहा हजार 55 4,655। और थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने, ऐसा ना हो कि डेबिट वाला बैलेंस क्रेडिट में डाल डिस्काउंट दें, क्रेडिट वाला डेबिट में डाल दें। की वजह से 25 अगस्त थोड़ा सा ख्याल रखना है, और बाकी आसान है लेकिन लेंथी है थोड़ा सा। सर, सर ये डेट आमने सामने से कुछ नहीं होगा, जी बेटा, नहीं चेंज हो रही कोई है इशू नहीं है, ये सर, सही कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू। सही ये ना देखें कि इधर 17 इधर है, इधर 25 है, इधर 12 है, इधर 3 है, ये कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं बनता। ठीक है सर, आगे चलते हैं, 25 के बाद 27 में। साइज में है जी बस सर, 3600 28 में है कैश, सर, 3600 डेबिट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? देखें, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो डेबिट रहा है, हो रहा है, आ रहा है कैश कितना है? 3600। 3600 जी, डेट की फर्नीचर फर्नीचर की वजह से, फर्नीचर किस वजह से? फर्नीचर। की वजह, साइज डेट है सर, साइज ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, आगे कहाँ पे हो रहा है? 30 में हो, 30 30 अगस्त क्रेडिट हो में रहा है सर, लास्ट क्रेडिट हो पे रहा है। मतलब कितने से? 71, 60 से? 70 60 से सर, मैंने क्रेडिट साइड पे 71, 60 लिख दिया। डेट 30 कौन सी है?30 किस वजह से हो रहा है? अगस्त सर, बिल शो पे करें किए हैं। 27 किस वजह से हो रहा है बेटा? एक्सपेंसेस सर, सर ये काफी सारे चीजें हैं ना, इतने सारे चीजें एक्सपेंस की वजह से हो रहा है। उसमें सैलरीज भी है, वेजेस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पेड आप लिख एक्सपेंस की सकते वजह से, हैं पेड सैलरी, एक्सपेंस लिख सकते हैं, ये पेड सबके नाम लिख दें आपकी मर्जी, या सिर्फ यस सर, समझने के लिए सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस लिख दें, या कोई किसी भी यस एक्सपेंस सर, पे एक्सपेंस का नाम एक्सपेंसेस लिख दें, बाकी अदर लिख एक्सपेंसेस। दें सर, अगर ये एक दो होना ना फिर तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा हो जाते हैं ना, या तो सबके नाम लिख दें आप, सैलरीज भी लिख दें, वेजेस भी लिख दें, इलेक्ट्रिसिटी भी, बैंक चार्जेस भी, इंश्योरेंस भी, ये तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट है अगर आप लिख जी सकते सर, हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो फिर आप जस्ट ये लिख सकते हैं, सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस। जी सर, ओके, यस इसके बाद आपने बेटा पता क्या करना है? आपने इसका जी टोटल सर, करना है, टोटल, टोटल ठीक है।
आपने बेटा जो है वो ऐसे नहीं करना कि हरकत फौरी फौरी नहीं करना, पहले आपने सारे ऐसे जैसे मैंने बनाया है ना, अभी मैंने टोटल नहीं किया, ऐसे आपने सारे अकाउंट्स बना लेने हैं, बाकी भी एक दो मैं आपसे प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, मैं आपके साथ कर लेता हूँ, आपने ऐसे सारे अकाउंट्स बेटा खुद बना लेने हैं, उसके बाद फिर एंड पे जाके टोटल कर लेना है जब सारे अकाउंट्स बन जाए। तो टोटल मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि कैसे करना है। आप क्या करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे, टोटल जी करेंगे सर, कितना आता है आपके पास? सम आपने कैलकुलेटर से करना है बेटा, पेपर में अलाउ नहीं है ये। कंप्यूटर में कंप्यूटर अलाउ नहीं है सर। कंप्यूटर सर जी साथ में खोल के बैठ जाते हैं सर। अलाउ ऐसे टोटल करना है आपने, ठीक जी सर, है? और जो टोटल बड़ा होगा, इसमें से कौन सा बड़ा है? डेबिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बड़ी है। अच्छा आपने दोनों साइड डेबिट साइड पे लिख देनी है, सॉरी ऐसे नहीं। सीन जो बैलेंस बड़ा होगा ना, वो दोनों साइड पे लिख देना है, जो बैलेंस बड़ा होगा वो दोनों साइड पे लिख देना है। आपको 3,24,000 55 32,40 55 दोनों साइड पे बेटा आपने लिख देना है। सर बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट साइड है, जी सर, यस सर, और छोटी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड है। जी सर, हमने दोनों बोला है कि दोनों इक्वल है, हमने क्या बोला है, दोनों इक्वल है, तो इट मींस यहाँ पे कितने जी पैसे सर, और आने के दोनों इक्वल हो जाए। फिर डेबिट डेबिट को क्रेडिट को डेबिट से माइनस कर देंगे, फिर ऐसे ही क्रेडिट का मतलब टोटल डेबिट में से ये क्रेडिट बैलेंस जितने भी है ये माइनस कर देंगे, ठीक है? जी अब इसको नाम देंगे बैलेंस, तो आगे नहीं हमें बैलेंस कैरी नहीं रखा, बैलेंस कैरी डाउन का नाम देंगे, और हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो अमाउंट होगी कितनी, 32,40 पचपन श्याम यार आपके बैक साइड पे आवाज आ रही है, इसमें से बेटा माइनस पर आवाज ज्यादा आ रही है। ये सारी अमाउंट्स इसमें से बेटा हम जो माइनस करेंगे, वो इस सब का टोटल कर देंगे। इस सब का जो टोटल है बेटा वो है मेरे पास 1,53,280। तो मैंने 1,53,280 इसमें से माइनस कर दिया। दोबारा देख रहे बैलेंस कैरी डाउन कैसे हमने कैलकुलेट करना है, जो साइड छोटी होगी, जो साइड छोटी होगी उस साइड पे बेटा हमने जाना है, और जितना वो डिफरेंस, जितनी अमाउंट से वो छोटी है ना, जितनी अमाउंट से वो छोटी है वहां पे उसका बैलेंस लिख देना है, वहां पे उसका बैलेंस लिख लेना है और टोटल कर देना है। समझ आइए बेटा? एक बार फिर सर, सर जो साइड से बैलेंस कम होगा उसी साइड से बेटा, समझ आई जाके है या नहीं आई? आगे सर, जो साइड छोटी होगी, जितनी अमाउंट से वो छोटी है ना, उसकी वो अमाउंट हमने लिख देनी है, और नाम हमने क्या देना है, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहां पे पहुंच जाना है, कहां पे, इस साइड पे, और यहां पे हमने लिखना है बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये हमने क्या करना है, ये वाला जो बैलेंस होगा ना, इसको हमने उठा के यहां पे भी लिख देना है, इसको हमने यहां से उठा के यहां पे भी लिख देना है। यही सेम बैलेंस मैंने यहां पे रख दिया, यहां पे मैंने नाम लिखा था इसका बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पे क्या लिखा था, बैलेंस क्या रखा है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, अभी जस्ट आपने इसको ऐसे करना है। आप जब इस प्रैक्टिस से 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ओके सर, जी सर, ठीक है? यहां तक कोई मसला है तो बताएं, कैश अकाउंट।
सर ये रिवाइज करवाते हैं ये जो माइनस की है टोटल के बाद, टोटल के बाद सर। हाँ टोटल के बाद बेटा मैंने दोनों साइड इक्वल रख दी, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। मैंने दोनों साइड इक्वल कर दी लेकिन है इक्वल नहीं। मैंने इक्वल कैसे की, जो साइड बड़ी थी वो दोनों साइड पे लिख दी मैंने, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड इक्वल करनी है ना, तो मैंने इसमें अब मेरे पास ये साइड जो है ये थी मेरे पास 153,280, लेकिन मैंने बोला ये कितनी है 224,055, ठीक है। ये साइड असल में थी 153,280, लेकिन मैं इसे लिख रहा हूँ 324,055। तो मैं कितनी अमाउंट इसमें डालूं तो ये इक्वल हो जाएगी, तो वो मैंने वो अमाउंट लिख दी है जस्ट। वो अमाउंट मैंने कैसे निकाली है, मैंने डेबिट साइड जो मेरे पास टोटल था उसमें से जितनी भी ये अमाउंट थी मेरे पास इसकी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड वाली, ये मैंने माइनस कर दी, ये अमाउंट मेरे पास आ गई। अभी हम फर्दर एक दो और अकाउंट आ रहे हैं ना तो मजीद क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट रखें, वेट करें। जी सर ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा कैश अकाउंट था, अब मैं अगले अकाउंट की तरफ जाऊंगा। फॉर्मेट मेरा सेम रहेगा, फॉर्मेट बेटा जो है मेरा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर्मेट बेटा जो वो सेम मैंने रखना है, बस यहाँ पे अब मैंने कैश नहीं रखना, मेरा अकाउंट होगा उसका मैं नाम रख लूंगा। बाकी ये देखें फॉर्मेट मेरा सेम है, कोई चेंज नहीं किया मैंने, वैसे ही मैंने लिखा हुआ है। कोई चेंज है इसमें? नो सर। ठीक है, अब मैं दूसरा अकाउंट बनाने लगा हूं, तो फिर दोबारा मैं शुरू में गया, शुरू में मैंने कैश अकाउंट बना लिया है। जी सर। कैपिटल अकाउंट बनाया है? नहीं सर बनाना है। तो अब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, तो मैं लेजर में गया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, अब मैंने ये देखना है कि डेबिट क्रेडिट कैसे हो रहा है। तो मैं पहले एंट्री में मैंने देखा डेबिट टू क्रेडिट हो रहा है कैपिटल? नहीं सर क्रेडिट हो रहा है। पहले मैं पूछता था अब कैश बन चुका है, अब जो अकाउंट मैं बना रहा हूँ मैंने उसका पूछना है। अब देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, दो लाख 96,000 से। तो मैं इसकी कौन सी साइड पे लिखूंगा 2,96,000? क्रेडिट साइड पे सर, क्रेडिट वाली साइड पे सर। 2,96,000। अच्छा जीएफ के बारे में मैंने बोला, टेंशन नहीं लेनी आपने, डेट क्या है इसकी? 8 अगस्त या कम होगा। डेट में क्या लिखूंगा बेटा? कैपिटल है सर, कैश अकाउंट, कैश लिखेंगे सर, कैपिटल नहीं कैश, ऑपोजिट लिखना है ना। ठीक है बेटा, अब मैंने फिर दोबारा देखा कि भाई यहाँ पे कोई कैपिटल कहीं और क्रेडिट या डेबिट हुआ है, देखें नीचे आने दें। नहीं सर और कहीं पे भी नहीं हुआ, और नहीं, कहीं पे भी नहीं हुआ। इट मींस एक दफा हुआ तो मैंने एक दफा रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैंने क्या करना है बेटा, टोटल करना है। तो मैंने टोटल किया, 296,000 आ गया इस साइड पे। जी सर, इस साइड पे करने लगा हूं तो ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, लेकिन मैंने क्या बोला था जो बड़ी फिगर होगी वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो बड़ी फिगर कौन सी है, जीरो या 296,000? 296,000। अब मैंने बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा था ना बैलेंस कैरिड डाउन, अब मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है। तो बताएं किस साइड पे लिखूंगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे क्या लिखूंगा, बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितनी अमाउंट लिखूंगा बेटा? 2,96,000। मेरे पास जो है पहले कोई है नहीं लेस करने के लिए, ठीक है। तो 2,96,000 पूरा लिखा, तो अब मेरे पास ये दोनों साइड्स बराबर आ गई। तो अब मैंने आगे बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है, क्या लिखना है बेटा? बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो वो अब मैं कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे, इसके ऑपोजिट। तो वो मैंने बेटा यहाँ पे जो है वो लिख दिया। लिख सकते हैं बेटा, किसी को कोई इशू है तो बताएं। सर ये इधर चेंज कर लें। सर ये इधर, जी बेटा पूछे, बेटा पूछे पूछे। ये क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे बी एफ आना है बैलेंस। बी एफ, सॉरी मैंने वो कॉपी किया लेकिन वो चेंज नहीं किया। सर ये BF वाला टोटल के नीचे लिखना लाजमी है, ऊपर भी लिख सकते हैं? नहीं नीचे, नीचे ऊपर नहीं लिखना बेटा, नीचे।
ये होगा वो नीचे। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब हम अगले अकाउंट की तरफ जा रहे हैं। मैंने फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं किया, वो मेरे पास सेम ही है। अब जो है वो करते हैं, इसको देखते हैं। अगला अकाउंट कौन सा होना है मेरे पास? फर्नीचर का। फर्नीचर का, फर्नीचर का अकाउंट बेटा बना सकता हूँ मैं। फर्नीचर ये अकाउंट बना। फर्नीचर के बारे में हम भाई कहाँ डेबिट हुआ, कहाँ क्रेडिट हुआ? पहले किसी में फर्नीचर हुआ डेबिट क्रेडिट? नो सर, नहीं सर। के पास है वो काइंडली म्यूट कर ले। बहुत ज्यादा जोर है, बहुत ज्यादा। जुनेद के माइक से आ रहा है। अच्छा फर्नीचर पहले एंट्री में नहीं हुआ, दूसरी एंट्री में डेबिट क्रेडिट हुआ फर्नीचर? यस सर। यस सर। यस सर। डेबिट हुआ सर। डेबिट सर। तो मैंने ये 60,000 डेबिट साइड पे लिख दिया, किस वजह से हुआ है? कैश की वजह। कैश की वजह से। डेट कौन सी है? 1 अगस्त। फर्स्ट अगस्त। 1 अगस्त। ठीक है बेटा यहाँ तक। उसके बाद फिर देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है। देखें तीसरी एंट्री में नहीं हुआ, चौथी में नहीं हुआ, आगे चलते जाएं। नहीं हुआ। आने दे सर। नहीं और एंट्री नहीं है। बढ़िया 27 को देखो। 27 को क्रेडिट हो रहा है 3600 से। यस सर। 3600 किस साइड पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड सर। क्रेडिट साइड। किस वजह से हो रहा है? कैश की वजह से। कैश की वजह से। और कोई भी नहीं है? और कोई भी नहीं है। तो इन दोनों से बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट साइड। डेबिट साइड 60,000। 60,000 लिखा और यही 60,000 मैंने यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने 60,000 लिखा और यही 60,000 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। सेम क्रेडिट वाली साइड पे भी लिखा। ये सर 60,000 सर। 50,000 लिखा। ठीक है अब मैंने बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है। बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है तो किस साइड पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड सर। क्रेडिट। बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट से लिखूंगा? 56,400 से। ठीक है और बैलेंस ब्रॉड लोन कहां, ब्रॉड फॉरवर्ड कहां पे लिखूंगा? क्रेडिट डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पे नीचे। कितनी अमाउंट थी? 56,000। ओके हो गया सर। नो सर। अगला लेजर बनाने लगा हूं फर्नीचर के बाद। जी सर। फर्नीचर के बाद आगे बेटा मेरे पास कैश आता है तो कैश का लेजर मैंने बना लिया है। मैंने बना लिया सर। इसको मैं इग्नोर करूंगा, जो बना लिया उसको मैंने इग्नोर करना है। उसके बाद अगला है परचेज वाला सर। परचेज का मैंने बनाया हुआ है? नहीं सर, बनाना है। मैंने यहाँ पे परचेज का लेजर बना रहे हैं सर। ना बनाना है, बनाना। ये सॉरी मैंने वो मिटाना याद नहीं रहा था मुझे। तो परचेजेस का लेजर बनाने लगा हूं। तो परचेजेस पहले यहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं हुई पहले एंट्री में, दूसरे में भी नहीं हुई, तो डेबिट हो रही है 72,000 तीसरी। 72,000 डेबिट हो गया डेबिट वाली साइड। तो मैंने ये 72,000 लिख दिया डेबिट। डेट कौन सी है? 3 अगस्त। कैश की वजह। आगे देखते हैं फिर कब हो रहा है? 4 अगस्त। और 4 से हो रहा है।
से नूर बिल बिल्स आगे देखते हैं ये हो गया हो गया आगे नहीं नो नो नहीं ये परचेज परचेज नहीं है परचेज डन ये तो और अकाउंट लेना हमने परचेज को लेना है जस्ट परचेज को लेना है जस्ट आगे देखते जाएं 22 की है सर 22 की है लेकिन यहाँ पे अमाउंट मैंने उस दिन लिखना याद नहीं रहा मैं अमाउंट देख लेता हूँ अमाउंट क्या है इसकी ये सेकंड प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम कौन सा सर सेकंड प्रॉब्लम सेकंड सेकंड है 350 अमाउंट बेटा कितनी अमाउंट है 350 लिख दिया किस वजह से हो रहा है लॉस्ट इन ट्रांजिट की वजह से कब हो रहा है 22 को सर आगे चलते हैं बेटा और कहीं पे डेबिट क्रेडिट हो रहा है 24 को हो रहा है कितने से ड्राइंग्स की वजह से कितने से 200 से आगे चलते हैं बेटा आगे ये हो गया और कहीं पे हो रहा है नहीं जान छूटी परचेजेस हमारी ओके हो गई तो अब डेबिट कौन सी साइड बढ़ी है बेटा डेबिट डेबिट साइड 87,000 इधर भी मैंने 87,000 लिख दिया अब मैंने क्या लिखना है बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालना है मैंने 87,000 जितना मेरे डेबिट साइड है उसमें से बेटा मैंने लेस करने हैं क्या चीज ये ऊपर वाली चीजें उसमें से 86,400 कितना आता है बेटा आपके पास 86,000 यही आता है क्या आपने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे इसको नाम क्या देना है आपने और फॉरवर्ड का आप में से कोई ऐसा बंदा जिसे समझ नहीं आ रही किसी को जरा कंफ्यूजन है किसी चीज में तो बताएं यहाँ तक जर्नल गलत हो वो आगे क्या करे किसी को बेटा कोई मसला है तो बेटा बताएं नहीं सर समझ आ गई है क्लियर है सर अच्छा अब आपके जिम्मे में काम लगाता हूँ जी सर आपने पांचवे चैप्टर का पहला प्रॉब्लम किया था किया था ठीक है जी सर यस सर आपने उसकी जनरल एंट्रीज मैंने आपको बोला था जनरल एंट्रीज पास करनी है इसी ना सबने जी सर अब उसके आप लेजर बैठ के बनाए आज उसी के लेजर बनाएंगे जनरल एंट्रीज आपने पास की हुई है उसके आप लेजर बनाएंगे प्लस ये असाइनमेंट है सर जी बेटा असाइनमेंट है असाइनमेंट मतलब बेटा ध्यान से मेरी और भी अकाउंट रहते नहीं थे और भी अकाउंट रहते हैं ये मैंने अब सारे अकाउंट नहीं बनाए इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास मैंने आपको पहले बोला है मैंने आपको जस्ट सिखाना है आगे सारे बनाने आपने खुद करना है मैंने जस्ट आपको सिखा दिया ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं तो फिर आपने हर चीज का ऐसे अकाउंट बनाने सर जो एक बार आ रहा हो वो भी बनाना है ना
जो एक बार जैसे आप कैपिटल एक बार आया था, मैंने बनाया नहीं है जी सर, ओके, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, फिर ऐसा ना हो आप रिपीट करें, जैसे कैश का हमने यहाँ पे बनाया तो कैश यहाँ पे आएगी, आप दोबारा बना रहे हो, समझ आ गई, रिपीट को समझ आ गई, कौन बनना है जस्ट, ठीक है, इसीलिए सर वो डेट का पूछ, सर ये पेपर में जो आ जाए फिर कितनी देर होगी, हल कैसे होगा बेटा, पेपर लेके आ ना, हम इंशाल्लाह जुमे वाले दिन करेंगे, आपका पेपर क्लासेस जो है इस वीक चल रही है, फिर विंटर ब्रेक हो जाना है, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस करवाना है, इंशाल्लाह मैं कल ट्रायल बैलेंस करवा दूंगा, आप ये लेजर से गो थ्रू कर लें, जनरल करवा दिया मैंने आपको, लेजर का एक प्रॉब्लम कर लेंगे, प्लस पहले इलस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके लेजर्स कवर अप हो जाएंगे, बाकी जो असाइनमेंट मैं आपको बाद में दे दूंगा, आपको तीन चार क्वेश्चन बता दूंगा वो आपने करने होंगे, सर जी विंटर में कोई एक दो क्लास अरेंज कर लीजिएगा जी बेटा, अरे वैसे ये छुट्टियां विंटर वेकेशन में सर एक दो क्लास वेकेशन कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं क्लास जब आप कहेंगे ना मैं एक दो दिन में क्लास अरेंज कर लूंगा, ठीक है, ठीक है सर, अगर आपको बताते हैं आप अपने इश्यूज इकट्ठे, हम क्लास रख लेंगे, क्लास कर लेंगे, और विंटर वेकेशन के फौरी बाद 10 को विंटर वेकेशन एंड होनी है, 11 जनवरी से पेपर है, और शायद पहला पेपर वो भी अकाउंटिंग का, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना तो प्रैक्टिस चाहिए होती है, नॉर्मली पेपर में छुट्टी नहीं होती सर जी, ऑनलाइन बच्चे जो है वो ऑनलाइन होंगे, और जो है वो मिड्स ऑनलाइन होंगे जी बेटा, ऑनलाइन होंगे, ये क्या कोई पेपर पैटर्न बेटा, यूनी आके देने पड़ेंगे, आप वेट मैं करवा रहा हूँ वो सारा कर ले, उसके बाद एट द एंड पेपर पैटर्न आपको पेपर कैसे आ सकता है हर चीज बता दूंगा मैं आपको, अभी जो मैं कह रहा हूँ okay. देना पड़ते हैं तो बस मसले सारे हल हो जाएंगे आपको, ओके सर, वैसे हम घर ही होते हैं तो ये छुट्टियाँ क्यों हो रही हैं जी बेटा, हम सर घर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये छुट्टियाँ क्यों हो रही हैं वैसे बेटा, एक रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बोला कि विंटर ब्रेक देना है तो फिर देना है, छुट्टियाँ सिर्फ इसलिए ऑनलाइन वालों को भी इस चीज के लिए होती है कि आप ज़हनी तौर पर, अच्छा, लेकिन सर साहब असाइनमेंट दे देंगे तो वो तो कैसी, नहीं मेरी कोई असाइनमेंट नहीं है, मेरी तरफ से आप एक क्वेश्चन भी ना करो, वो तो आपकी तैयारी के लिए मैंने बोला है, ठीक है सर, थैंक यू, आप लोग बेटा लेजर्स बनाएं, कौन सा, मैंने आपको पांचवा चैप्टर बताया लेजर्स का, उसका पहले प्रॉब्लम का, और पांचवे चैप्टर में इलस्ट्रेशन होगी पहली, उसके भी लेजर बना ले, उसके लेजर बने हुए होंगे आपको, वो पहले तो लेजर उसके बने होंगे, आपको समझने में आसानी होगी, पहले इलस्ट्रेशन पहले कर लें, पांचवे चैप्टर की पहली इलस्ट्रेशन पहले पहले कर लें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, उसके बाद पहला प्रॉब्लम आपने पास की है, तो भी जब जो है वो लेजर रहेगी तो आपको मजबूत हो जाएगा सर, ये पांचवे चैप्टर की पहली पहली इलस्ट्रेशन और पहला प्रॉब्लम जी सर, पांचवे चैप्टर का, हां इलस्ट्रेशन गिवन है आपको, ओके सर, आप देख सकते हैं जो आपके इश्यूज आएंगे जी सर, ओके सो मच, इंशाल्लाह जो है कल हम क्लास, ओके सर, थैंक यू जी, करानी है, ओके सर, कल सर इस टाइम पे होगी क्लास, ये लाइट जाएगी इंशाल्लाह 11 बजे क्लास होगी आपकी, आज तो लाइट नहीं थी मेरे पास और यूपीएस की बैटरी नहीं थी तो इस वजह से नहीं हो सकी आज, सर ये असाइनमेंट कब तक सबमिट करवानी है बेटा, सबमिट ये इसका कोई नंबर नहीं है, नंबर जिसके थे वो मैंने आपको बता देता हूँ, लास्ट असाइनमेंट जो थी उसके नंबर थे, उससे पहले जो असाइनमेंट थी उनके नंबर थे, ना करें सर ये लिखने भी नहीं करने, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, अगर आप कर लोगे तो पेपर में परफॉर्म कर सकोगे, अदरवाइज फिर सर जी आप सबके नेम बता दीजिएगा ग्रुप में किस किस ने सबमिट करवाई है बेटा, जिनकी मेरे पास पहुंची है, खैर मैं बता दूंगा बाद, बता देता हूँ मैं फ्री होके बता देता हूँ जी सर, ये नहीं करवानी सबमिट लगा दो ये मार जाएगा, टाइम पे आया था मेरी।